हेलो स्टूडेंट, मैं मकवाना इतल आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आपकी टेक्स्ट बुक में जो हिंदी में चैप्टर है 21 नंबर का, शेखर का बचपन, तो उसमें हम पार्ट टू देखेंगे। तो अगले पार्ट वन में हमने देखा कि शेखर का विदेशी वस्तुएं या भाषा के प्रति कैसा उसका मन एकदम घृणा से भरा हुआ है, और स्वदेश प्रेम गांधी जी के लिए उसके मन में जो इज्जत है वो, और क्रांतिकारी सोच उसकी, ये हमने देखी। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि शेखर जब अपने पिता के साथ बाकीपुर स्टेशन पर गया तो एक लड़का उसको मिला और उसने जो बातचीत की वो हमने देखा है। अब हम देखेंगे शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। किसका प्रश्न उसको बुरा और अपमानजनक लगा? बाकीपुर स्टेशन पर जो एक लड़का उसको मिला उसका प्रश्न शेखर को बुरा और अपमानजनक लगा, क्योंकि वो अंग्रेजी में उसको पूछ रहा था। आप जानते हो कि वो अंग्रेजी में उसको पूछ रहा था, और उसको अंग्रेजी न आते हुए भी वो ऐसा दिखा रहा है कि जैसे कि मानो उसको अंग्रेजी आ रही हो। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करने वह झिझकता था। वह झिझकता था क्यों? संकोच अनुभवता था, क्योंकि अगर पिताजी की उपस्थिति में वह बात करता तो वो सामने वाला लड़का अंग्रेजी में बात कर रहा था तो उसको भी अंग्रेजी में बात करनी पड़ती, इसलिए वह झिझकता रहा और उसने उत्तर नहीं दिया। शेखर ने लड़के के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दिया? तो आप आंसर लिख सकते हो कि शेखर के पीछे उनके पिताजी थे और पिताजी की उपस्थिति में वह बात करने में झिझकता था, इसलिए शेखर ने लड़के को उत्तर नहीं दिया। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने नैतनिक और रोब में कहा, रोब घमंड, माई नेम इज़, डू यू गो टू स्कूल, मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो या जाते हो? देखो यहाँ पर जो इंग्लिश उसने यूज़ किया है वह टूटा फूटा वाक्य है, परफेक्ट वो बोल नहीं रहा है, उसको इंग्लिश आ नहीं रहा है, तो भी वो रोब झाड़ता रहता है और पूछता है। शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है। पाठ दोहराना यानी कि कुछ रट्टा मार के आया है, कुछ याद करके आया है, वह बोल रहा है। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर को ही नहीं दिया। घृणा, क्रोध, नफरत से उसने उस लड़के के सामने देखा और कुछ उत्तर नहीं दिया। पिता के क्रुद्र स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते? देखो, पिताजी ने क्रोधित होकर शेखर को कहा, जवाब क्यों नहीं देते हो? शेखर और भी चिढ़ गया, चिढ़ जाना गुस्से हो जाएगा, और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। लड़के ने क्या किया? मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। शेखर के जवाब न देने पर लड़के ने क्या किया? शेखर के जवाब न देने पर लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? देखो, अब जब लड़के को शेखर ने जवाब नहीं दिया तो उसके पिता जो है वो क्रोधित हो गए और उसको बोला, लड़के को क्यों जवाब नहीं दिया? तुम्हारा मुंह टूट गया है? तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की
गुस्ताखी करने से बच गया। गुस्ताखी गलती। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। अब आपको एक प्रश्न पूछा जाए कि शेखर ने पिता ने लड़के के उत्तर न देने पर शेखर को क्या कहा? तीन या चार वाक्य में पूछेंगे तो आप लिख सकते हो कि लड़के को उत्तर न देने पर शेखर के पिताजी ने शेखर पर गुस्सा किया, उसका कान खींचा और उसको पूछा कि तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया, और उसकी माँ को भी घर जाकर बोला कि हमारे लड़के सब बुद्धू है, हमारा लड़का बुद्धू है, किसी के सामने वह बोल नहीं सकता। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह इस गद्य में क्रांतिकारी शेखर ने बचपन के जो उनके अनुभव थे वो दिखाए गए हैं, और बहुत अच्छी तरह से उनका जो उनकी जो सोच विचार थे वो आपको सीखने जैसा है। यहाँ पर कि जो शेखर था वो क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था, वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी थे और स्वदेशी चीज़ों का चाहक था। आपको भी अपनी अपने देश की चीज़ों को अपनाना चाहिए। अधर देश की जो अधर कंट्री की चीज़ें आती है उसके पीछे इतना मोह रखना चाहिए नहीं, स्वदेशी चीज़ें अच्छी आती हैं। चाइना की चीज़ें देखिए, बहुत ही कमज़ोर होती है, फिर भी हम दूसरे देशों की ही चीज़ें ज़्यादा प्रयोग करते हैं। उस वक्त में भी शेखर ऐसा सोच रहे थे, तो हमको स्वनिर्भर बनना है, खुद के देश की चीज़ें उपयोग करनी है। और स्टूडेंट, इस पीडीएफ में मैं आपको इस गद्य की पीडीएफ भेजूंगी, वह आपको गद्य पढ़ना है और फिर उसकी वर्कशीट में से प्रश्नों के उत्तर तैयार करने हैं। प्रश्न के उत्तर आपको अलग अलग तरह से पूछ सकते हैं। तो आपने देखा कि इसमें हमने कुछ शब्द के अर्थ देखे, जैसे कि शैशव का अर्थ होता है बचपन, बोल बाला का अर्थ होता है अति प्रसिद्ध, अनुमति का अर्थ होता है सहमति, अंकुश का अर्थ होता है नियंत्रण, परित्याग का अर्थ होता है बहिष्कार, किसी को छोड़ देना। मुहावरे आपने देखा, इसमें मुख्य तीन मुहावरे का प्रयोग किया है। मुंह काला होना यानी कि बेइज्जती होनी, मुंह काला होना यानी कि बेइज्जती होनी, द्रुणा द्रुणा होनी नफरत होनी, बाध्य होना किसी चीज के लिए विवश होना मजबूर होना। प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको गद्य की समझौती दी तभी दिखाए थे, समझाए भी थे, पर अगर आपको ऐसे प्रश्न पूछे, कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे स्टूडेंट। शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाने को क्यों छोड़ दिया? तो शेखर के पास उतने स्वदेशी कपड़े नहीं थे, इसलिए उसने छोड़ दिया। दूसरा प्रश्न आपको ऐसा पूछा जाए कि शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी? शेखर के मस्तिष्क में गांधी का मुंह बोला, गांधी का बोल बाला, दुश्मनों का मुंह काला, यह बात पहुंचती थी। तीसरा प्रश्न हम देखें तो कोई प्रश्न ऐसा पूछे कि शेखर ने आग कैसे जलाई? तो शेखर ने कहाँ पर आग जलाई थी? विदेशी कपड़ों को। तो शेखर ने मिट्टी का तेल डालकर आग जलाई थी। शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? शेखर गला खोलकर गाने लगा, गांधी का बोल बाला, दुश्मन का मुंह काला। शेखर अंग्रेजी बालक को उत्तर क्यों नहीं दिया? शेखर अंग्रेजी भाषा का विरोधी था, वह हिंदी भाषा का ही प्रयोग करता था, इसलिए उसने उस बालक को जवाब दिया नहीं। स्टूडेंट, दो तीन वाक्य में भी प्रश्न के उत्तर आएंगे, जैसे कि घर के सदस्य बाहर गए
तब शेखर ने क्या किया, तो घर के सदस्य जब बाहर गए तो शेखर ने विदेशी कपड़े उतार दिए और देसी कपड़े पहन लिए, और उसने उसके बाद अलग अलग कपड़ों में जाकर सारे कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया, और फिर लैंप लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेर कर उसको आग लगा दी। तो स्टूडेंट, इस तरह आपको प्रश्न के उत्तर लिख रहे हैं। संपूर्ण गद्य का अर्थबोध आपको प्राप्त हो गया है और प्रश्न के उत्तर आपको तैयार करने हैं। अस्तु।